ओम श्री गणेशाय नमः दोस्तों, एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 30 दिसंबर शुक्रवार के राशि फल के बारे में कि यह दिन कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, किन किन चीजों से इनको फायदा होगा, किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा, इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाय भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बेहतर बना सकें। दोस्तों, आगे वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नई नई वीडियो पहुंच सके। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कैसा रहेगा कर्क राशि वालों के लिए शुक्रवार का दिन। सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है। दोस्तों, आज आपके वित्तीय स्थिति में काफी सुधार आ जाएगा। कुछ नया शुरू करने के लिए आज का समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। आपकी मेहनत व प्रयास के सार्थक परिणाम आज आपके सामने आएंगे। विवाह योग्य लोगों के लिए किसी अच्छे रिश्ते संबंधित बातचीत घर में शुरू हो सकती है। दोस्तों, समाज व रिश्तेदारों में आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व व सरल स्वभाव की वजह से मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। समय कुछ मिला जुला प्रभाव आज आपके लिए लेकर आने वाला है, परंतु उसे बेहतरीन बनाना आपका काम है। कुछ समय से नजदीकी रिश्तेदारों के बीच जो गिले शिकवे चल रहे थे, आज वे किसी के माध्यमता से दूर हो जाएंगे और रिश्ते में दोबारा मधुरता आएगी। प्रतिष्ठित लोगों से मेल जोल बढ़ेगा जो आपके लिए भविष्य के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। धार्मिक स्थल में जाने का आज प्रोग्राम बनेगा जिससे बहुत अधिक शांति और हल्का आप महसूस करेंगे। घर में सुख सुविधा संबंधित वस्तुओं की भी खरीदारी होगी। कोई कीमती उपहार भी आज आपको मिल सकता है। विद्यार्थियों को अपनी नौकरी संबंधित किसी क्षेत्र में इंटरव्यू में सफलता के योग बन रहे हैं, इसलिए पूरी मेहनत से अपने कार्य पर प्रयासरत रहें। अपने उसूलों और सिद्धांतों से किसी भी प्रकार का समझौता आप ना करें। प्रभावशाली व प्रतिभावान लोगों के साथ में अधिक समय व्यतीत करें, इससे आपके आत्मबल व आत्मविश्वास में वृद्धि होगी तथा नकारात्मक विचार दूर होंगे। भाग्य से अधिक अपने कर्म पर आज विश्वास रखें। दिन आपके लिए आज का बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है। दोस्तों, किसी पारिवारिक मसले को लेकर भाई बहनों के बीच कहासुनी हो सकती है। घर के बुजुर्गों की सलाह से संबंधों को खराब होने से बचाएं। धर्म के नाम पर कोई आपका नुकसान कर सकता है, इसलिए सावधान रहें। घर के किसी बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर भी आज चिंता रहेगी, डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है। दोस्तों, साथ ही साथ आपको भी अपने स्वभाव से ईगो को खत्म करना होगा जिससे परेशानियां जल्द ही हल होंगी। किसी भी योजना पर कार्य करने से पहले उस पर अच्छी तरह से विचार आप अवश्य करें। किसी दुखद समाचार मिलने से कुछ समय के लिए मन में उदासी और नकारात्मक विचार उठ सकते हैं, परंतु आप जल्द ही सहज हो जाएंगे। विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई की अपेक्षा फालतू गलत फहमियों पर अधिक ध्यान देंगे। अपने महत्वपूर्ण कागजातों को बहुत ही अधिक संभाल कर रखें, क्योंकि अगर खो गए तो प्राप्ति नामुमकिन लग रही है। घर में भी छोटी सी बात पर एक कारण ही तनाव उत्पन्न हो सकता है, इसलिए ज्यादा क्रोध करने से बचें। दोस्तों, सामाजिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान न देने की वजह से कुछ नजदीकी लोग आपसे नाराज रह सकते हैं, परंतु इन बातों पर ध्यान ना देकर आप अपने कर्म पर लगे रहें। परंतु घर के वरिष्ठ लोगों का मान सम्मान अवश्य बना कर रखें।
दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। दोस्तों जीवन साथी की भावनाओं का आप सम्मान करें, इससे संबंध और अधिक मजबूत होंगे। प्रेम संबंध मर्यादा पूर्ण रखें। किसी विपरीत लिंगी मित्र के अचानक ही मिलने से आपको आश्चर्यजनक प्रसन्नता महसूस होगी। घर परिवार का वातावरण आज बहुत ही सुखद रहेगा। पति पत्नी का आपसी सहयोग घर में सुख शांति बनाकर रखेगा। प्रेम संबंधों के भी आने वाले समय में विवाह में परिणित होने के पूर्ण रूप से योग बन रहे हैं। जीवन साथी का आपको आपके कार्यों में पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा तथा घर में भी सकारात्मक वातावरण बना रहेगा। दोस्तों साथ ही साथ अपनी व्यस्तता में से कुछ समय परिवार व बच्चों के लिए भी निकालना आपके लिए आवश्यक है। इससे परिवार में आपकी रेस्पेक्ट और अधिक बढ़ेगी। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका व्यवसाय करियर कैसा रहने वाला है। दोस्तों व्यवसाय में अभी वर्तमान परिस्थितियों का प्रभाव बन रहा है। धन संबंधित लेन देन में बहुत अधिक आप सावधानी रखें क्योंकि धोखा होने की भी संभावना लग रही है। नौकरी पेशा व्यक्तियों के ऑफिस का माहौल बहुत ही आज शांतिपूर्ण बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में अगर किसी प्रकार का निवेश करने की आप सोच रहे हैं तो आज उस कार्य को बहुत ही गंभीरता से अंजाम दें, इससे आपको बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त होंगे। दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। नौकरी में भी नई संभावनाएं मिलने की उम्मीद है। दोस्तों साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में दूसरों के हस्तक्षेप से कर्मचारियों के बीच फूट पैदा हो सकती है, इसलिए अपने निर्णय को प्राथमिकता दें तथा व्यवसायिक गतिविधियों पर भी अपनी पैनी नजर रखें। साथ ही साथ नौकरी पेशा व्यक्ति भी ऑफिस में पॉलिटिक्स के शिकार हो सकते हैं, थोड़ा सावधान रहें। दोस्तों साथ ही साथ आज आप किसी कारणों से कार्य क्षेत्र में अधिक समय नहीं दे पाएंगे, परंतु सहयोगियों और कर्मचारियों का आपको उचित सपोर्ट मिलेगा। नौकरी पेशा वाले व्यक्तियों को अपने उच्च अधिकारियों का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा। व्यवसायिक क्षेत्र में आपकी कार्य क्षमता व काबिलियत की वजह से कामयाबी आपके द्वार खटखटा रही है, इसलिए प्रत्येक कार्य को आप आज बहुत ही गंभीरता से लें। नौकरी पेशा व्यक्तियों को भी उनकी कार्य क्षमता के लिए प्रोत्साहन प्राप्त होगा, जिसकी वजह से उनका मन बहुत ही प्रसन्न रहेगा। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। दोस्तों आज आपका स्वास्थ्य बहुत ही उत्तम रहेगा तथा आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। आज आप अपने आप को काफी तंदुरुस्त और तनाव मुक्त महसूस करेंगे। या दोस्तों आज का समय आपके स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। दोस्तों साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें, व्यायाम करें, स्वस्थ रहें। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेष उपाय क्या है। दोस्तों आज आप स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद बहुत ही प्रेम पूर्वक साबूदाने की खीर बनाएं। या दोस्तों इस खीर में आप शक्कर के स्थान पर मिश्री डालें। जब यह खीर तैयार हो जाए इसमें आप थोड़ा सा केसर भी डाल दें। या दोस्तों इसके बाद आप इस खीर का सबसे पहले माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं। इसके बाद आप इस खीर को माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए गरीबों में बांटें। या दोस्तों ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बहुत जल्द प्रसन्न होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगी। जो भी आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं, धन से संबंधित जो भी परेशानियां चल रही हैं, समस्त परेशानियों का अंत करेंगी और आपके घर में सदैव धन सुख संपत्ति का वास होगा। माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करेंगी। या दोस्तों आप इस उपाय को अवश्य करें, आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।